ऐसा माना जाता है कि इस पूरी दुनिया में इंसान सबसे कुशल और बुद्धिमान प्राणी है। उसके पास वो सब कुछ है जो बेहतर बनने के लिए किसी भी प्राणी को चाहिए होता है। इसके बावजूद इंसान शिकायत करता है। उसे शिकायत रहती है कि उसके पास साधन नहीं है, जरिए नहीं है, मौके नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर आज मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो जन्म से बिना हाथ पैर के होने के बावजूद वो कर दिखाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ निक विजुक की। उनका कहना है, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं होता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। निक के जीवन को अगर हम देखें तो उनका जीवन कोई चमत्कार से कम नहीं है, जिनके सामने विकलांगता भी नतमस्तक हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके लिए निक विजुक के जीवन की प्रेरणादायक कहानी लाया हूँ। निक ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, अपने लाइफ में आने वाली हर मुसीबतों का डटकर सामना किया। आइए आज की कहानी के हीरो के जीवन के बारे में जानें। निक का पूरा नाम निकोलस जेम्स विजुसिक है। निक का जन्म 4 दिसंबर 1958 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। उनके पिता बेरिस्लोवा युजुसिक तथा मां दुसाका युजुसिक मूल रूप से युगोस्लोवाकिया के सर्बिया के थे और यहां ऑस्ट्रेलिया में आ बसे थे। ऑस्ट्रेलिया में इनके पिता एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करने लगे तथा मां बच्चों के एक हॉस्पिटल में नर्स बन गई। जन्म से ही निक एक बीमारी से पीड़ित थे जिसका नाम था टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। इस बीमारी की वजह से बचपन से ही उनके हाथ पैर नहीं थे। इस बीमारी से ग्रसित लोग मुश्किल ही जिंदा बच पाते हैं। इस समय पूरे विश्व में केवल 7 ही व्यक्ति जिंदा है जो इस बीमारी से ग्रसित है, जिनमें से एक निक भी है। वे हमेशा कहते थे, हमारे जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए होती है, वे हमें रोंदने के लिए नहीं। जन्म के बाद जब नर्स ने उन्हें उनके माता के सामने रखा तो उनकी मां ने उन्हें देखने या उन्हें पकड़ने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी मां और उनके पिता ने उनके इस स्थिति को स्वीकार कर उन्हें अपना लिया। निक विजुक के 2 छोटे और विकृत पैर हैं, जिनमें से एक को वह अपने आकार के कारण चिकन ड्रमस्टिक कहते हैं। मूल रूप से वह पैर के पंजों के साथ पैदा हुआ था। पैर की उंगलियों को अलग करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था ताकि वह उन्हें उंगलियों के रूप में उपयोग कर सके और भविष्य में पुस्तकों के पृष्ठ को मोड़ सके और अन्य काम कर सके। दोस्तों, लोगों को परेशानियां आती है और जाती है, मगर यह इंसान परेशानियों के साथ ही पैदा हुआ था। माता पिता उसे हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। छोटी उम्र से ही निक के माता पिता उसे पानी की तैरना सिखाने लगे। 6 साल की उम्र में उसे पंजे की सहायता से टाइप करना सिखाने लगे। विशेषज्ञों के मदद से उन्होंने निक के लिए प्लास्टिक का एक ऐसा डिवाइस बनाया जिनकी सहायता से निक ने पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखा। निक के माता पिता ने निक को स्पेशल स्कूल में भेजने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि निक सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़े। इसमें बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लिखने और काम करने का ये लाभ हुआ कि निक उन्हीं की तरह काम करने लगे। पंजे की सहायता से निक ने न केवल पढ़ना लिखना अपितु फुटबॉल और गोल्फ खेलना व तैरना भी सीखा। निक पंजे की सहायता से ही न केवल ड्रम बजा लेते बल्कि मछली पकड़ना, पेंटिंग व स्काई डाइविंग तक कर लेते थे। मुंह की सहायता से गियर बदलकर निक कार भी आसानी से चला लेते थे। लेकिन एक समय था जब निक काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी रोजमर्रा के काम करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। वे कुछ खेल भी नहीं पाते थे। बच्चे उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। परेशानियां तो एक अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को तोड़कर रख देती है। इन सब चीजों से मायूस व दुखी होकर 10 वर्ष की उम्र में एक बार निक ने पानी के टब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उनके माता पिता के प्यार और प्रोत्साहन ने बचा लिया और उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान किया। कभी आत्महत्या का प्रयास करने वाला निक आज हमें इंस्पायर करते हुए कहते हैं, गिरने का जोखिम उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो कैसे बने निक एक आम इंसान से एक सफल इंसान? जब निक 13 साल के थे तो एक दिन उनकी मां ने अखबार में प्रकाशित एक लेख निक को पढ़कर सुनाया, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति की संघर्ष और सफलता की कहानी थी। निक को एहसास हुआ कि दुनिया में वो अकेला विकलांग नहीं है और परिश्रम व संघर्ष द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने उसे कुछ अलग करने के लिए ही ऐसी स्थिति में डाला है। उसे तो स्वयं प्रेरणा व प्रोत्साहन की जरूरत थी, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वे स्वयं लोगों को प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जिससे लोगों में व्यापक निराशा या आक्रमणता दूर हो सके और वे उत्साह पूर्वक कार्य करते हुए अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके। यह कहानी सुनने के बाद निक के अंदर कुछ करने की आग सी लग गई थी। वे हमेशा मन में पूछा करते थे, क्या उद्देश्य है? भगवान ने उनको कोई ना कोई बड़े काम करने के लिए भेजा है, वो काम क्या है? रात दिन हर समय उनके दिमाग में यही प्रश्न घूमते थे।
जब निक 17 साल के हुए तो उसने अपने चर्च में भाषण देना शुरू किया। एक वक्ता के रूप में वह प्रमुख रूप से बच्चे, वयस्कों, पेशावरों को संबोधित किया करते थे। उन्होंने दुनिया भर के चर्चों को संबोधित किया क्योंकि उनका मानना है कि ईसा मसीह उनसे प्रेम करते हैं। निक के अनुसार आज उनकी ताकत और उनकी उपलब्धि का पूरा श्रेय भगवान पर बने अटूट विश्वास को ही जाता है। उन्होंने कहा, अब तक के जीवन में जिनसे भी मिले, फिर चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी हो, उन सभी ने उन्हें काफी प्रेरित किया है। आज निक इधर उधर जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर से कहीं जाना हो अथवा कंप्यूटर या मोबाइल फोन का प्रयोग करना हो, निक अपने पैर की उंगलियों से ही सारा काम करते हैं। सोचिए निक को ये सब सीखने और करने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग व फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया। 2005 में निक ने लाइव विदाउट लिम्स की स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन और मंत्रालय है। 2007 में उन्होंने एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड नाम से एक कंपनी खोली और एक प्रेरक वक्ता के रूप में कार्य करने लगे। 2009 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म द बटरफ्लाई क्राइसिस की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 2010 में मैथ फेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में उन्हें विल के अभिनय के लिए लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से प्रेरित किया गया। अगस्त 2011 में एटीट्यूड ने एक एकल संगीत वीडियो जारी की, जिसे कुछ और कहा जाता है। इसी बीच 2008 में निक एक महिला से मिले जो उनके मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आई थी, जिसका नाम था केन। निक को उनसे प्यार हो गया। 4 साल बाद 12 फरवरी 2012 को उन्होंने शादी कर ली। निक 4 बच्चों के पिता हैं। निक अब वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी उन्होंने एक दिन कल्पना की थी। निक की पहली पुस्तक लाइफ विदाउट लिमिट 2010 में रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी और 30 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। निक ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सी बेस्ट सेलिंग बुक को लिखा है। बिना हाथ पांव के पैदा हुआ वो बच्चा आज विश्व के सफलतम प्रेरक वक्ताओं में से एक है। निक 40 से अधिक देशों में अपने कार्यक्रम दे चुके हैं और जिस बच्चे के पैदा होने पर उसकी माँ उसे देखना नहीं चाहती थी, उसे देखने सुनने के लिए हॉल खचाखच भरे होते हैं। एक बार तो उनकी मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए 100,000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे और लोगों के बैठने तक की जगह नहीं थी। निक के जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि इंसान अपने विकलांगता का गुलाम नहीं है, इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है। अगर आपने मन में ठान लिया कुछ भी असंभव नहीं है, फिर मन आपका गुलाम हो जाता है। निक बिना हाथ पैर के बावजूद अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया और अपने सफलता को दूसरों तक पहुंचाया भी। निक की सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कुछ भी संभव है। कभी भी उम्मीद न खोए और खुद पर विश्वास रखें। आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट किस महान इंसान की बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।